ओम नमः ओम नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं ये जाया जानिक एकं कलंक दहि नित्य निरंजनान मैत्र परम नमः समय सारा अनुभूत्या चकाश्रित स्वभावाय भावाय सर्व भावाय। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, मिलते हैं, मिलाने नहीं पाते। अब मोक्ष मार्ग के प्रसंग में ध्यान रखना, जो जीव जिनेश्वर के अनुसार उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्व कारण मिलते हैं, और जो जीव जिनेश्वर के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते उनके सारे कारण बेकार। अब जिनेश्वर के उपदेश अनुसार पुरुषार्थ क्या है? उपदेश अनुसार बताओ, सवेरे क्या कहा था? उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? तत्व निर्णय का पुरुषार्थ आपने अभी पूछा, एकाग्रता नहीं हो पाती। प्रवचन सार जी में सुंदर विषय दिया, एकाग्रता का नाम ही श्रवण है, माने वो एक एकाग्रता श्रवण दशा में होती है, परिग्रह के साथ में चंचलपने में एकाग्रता संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एकाग्रता का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होना चाहिए, आंशिक रूप से होना चाहिए कि नहीं? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर समल विमल विचारिये यही से नहीं और एकाग्रता तत्व निश्चय बन के ही होती है। एकाग्रता तत्व निश्चय बन के ही होती है। एकाग्रता के लिए तत्व निश्चय करना चाहिए। निश्चय क्या? यही हित है, यही हित है, दूसरा नहीं है, नहीं है। मेरा सुख मेरे में ही है, बाहर नहीं है। मेरे कल्याण में देवगुरु धर्म ही निमित्त हैं, दूसरा नहीं है, फिर नहीं भटक गए। वो अनपढ़ व्यक्ति भी स्टेशन पर चुपचाप बैठा क्यों रहता है? गाड़ी डेढ़ घंटे लेट है, आने वाली गाड़ियों की ओर दौड़ता क्यों नहीं फिरता, भटकता क्यों नहीं फिरता? ये निश्चय का बात है, हमारी गाड़ी तो 1 बजे यहां आएगी, आराम से बैठा रहता है, अभाव को साधता है, मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देता, माने भटकता नहीं फिरता। हमारी गाड़ी तो यहां आएगी, वहां आने वाली गाड़ियां हमारी गाड़ी नहीं है, और हमारी गाड़ी तो यहां आनी है और इस टाइम पर आनी, अभी नहीं आई। निश्चय करो, काय का निश्चय करें? अध्यात्म भाषा में कहें तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। कैसे निश्चय करें? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से निश्चय करो, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से निश्चय करो। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, माने दुलायमानपना, विपरीत निर्णय भ्रम, और संशय माने दुलायपन, एक ये एक ही। सच्चे उपदेश से निश्चय करने को अब एकाग्रता तत्व निश्चय बन के ही होती है, तो हमें भी एकाग्रता चाहिए तो तत्व निश्चय करना चाहिए, इसका उपयोग लगाओ।
तत्वमन मोक्ष मार्ग में तो प्रयोजन भूत तत्वों की बात आ जाती है। ये अज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय है तो क्या निश्चय करोगे ज्ञान स्वभावी आत्मा का, बोलो। क्या निश्चय करेंगे? सारे विकल्प खत्म हो जाए आत्मा के निश्चय दिए समय। बालपोती की भाषा बोल सकते हो कुछ? मेरा आत्मा पूरा है, मेरा आत्मा भगवान है, हैं? ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय क्या करोगे? आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो ये जड़ स्वभावी नहीं है, क्रोधारिक स्वभावी नहीं है, ये हमारे स्वभाव नहीं है। और कैसा ज्ञान स्वभावी? कैसा ज्ञान? जिस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा है। ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत धर्मात्मक है, ऐसा नहीं है शुष्क ज्ञान है, अकेला ज्ञान ज्ञान है। बहुत लोग कहते हैं अकेले ज्ञान ज्ञान से क्या हो जाएगा, तो हम उनसे कई बार कह देते हैं, आपको मालूम होगा क्या कहते, बता क्या सुनते हो, बताओ क्या सुना है? अरे हाथ जोड़ दिए, गर्दन हिल रही है। हम पूछते क्या कहते हैं बताओ, अकेला ज्ञान होता ही नहीं है, ले आओ किसके पास हो अकेला ज्ञान, ला। अकेला ज्ञान होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जहां ज्ञान होता है वहां सद्धान का उदय होता है। जैसा ज्ञान होता है वैसी श्रद्धा होती है, और ज्ञान होने पर कौन मूढ़ होगा जो हे को ग्रहण करेगा उपाधि को छोड़ेगा, कौन मूढ़ होगा? ज्ञान होने पर आचरण होता ही है भीतर में, बाहर आने में देर लगेगी। अकेला ज्ञान होता ही नहीं, कौन ने कह दिया अकेला ज्ञान? ज्ञान बिना की श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहते हैं, ठीक है ना? और ज्ञान बिना की श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहते हैं, और बोलो सम्यक तो बिना के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, हो गया कि नहीं? चलो आगे। ज्ञान वैराग्य के बिना नहीं होता, और वैराग्य ज्ञान के बिना नहीं होता। वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है, और ज्ञान बिना का वैराग्य रोजी कथा है। अकेला ज्ञान कहाँ है? लाओ अकेला ज्ञान, लाओ तो अकेला ज्ञान कहीं हो। ये हमारी मूलता है, उस शुष्क ज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं है उसे हम ज्ञान ही नहीं कहते, और अगर ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। ज्ञान हो और वहां आनंद नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ज्ञान ना हो, ज्ञान हो और वहां प्रभुता ना हो, हो सकता है? ज्ञान हो वहां अभिमान हो सकता है? असंभव। यहां ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, कौन सा? अनंतानुबंधी तो बिल्कुल नहीं होता, होता ही नहीं। और अप्रत्याख्यान आदि भी हो तो अंदर में भेद ज्ञान बढ़ता, उनके प्रति निंदा ग्रह बढ़ती, हाय हाय क्या हो गया, ये बेकार है हमारे इसका। जैसे जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत होता है, उसे अपना कार्य बिगड़ने का खेद भी बहुत होता है। सावधानी रहती है कार्य बिगड़ न जाए। हम ये पूछते हैं, वो तेल का कटोरा लेकर के पूरा महल घुमाया, कब भैया देख आए? क्या कछु नहीं देखो, कछु नहीं देखो? क्यों, आंखें नहीं है कि महल नहीं है? कोई ने रोक दिया, पट्टी बांधी थी, ये ले नहीं गया था महल में? क्या महल भी था, आंखें भी थी,
लेकिन एक बूंद अगर गिरी, एक समय की विराधना से सातवें नरक की बंद बनती है, एक समय के खोटे परिणाम से 70 कूड़ा कोड़ी बनते हैं। कहां तक भोगोगे, क्या करोगे? एक समय निगाह चुक जाए तो हड्डी टूट जाए, जिंदगी भर भोगनी पड़े। पहले जैसी अगर जुड़ भी जाती तो पहले जैसी ताकत नहीं है। बरसात आ गई और वो बादल बादल हो गए तो फिर दर्द होने लगा। एक समय का लौकिक फल इतना हो सकता है तो ये बताओ मोक्ष मार्ग में क्या समझा तुमने? खेल खिलौना है। सवेरे भी ये बात हमने कही थी, हम नहीं बांट पाएंगे ये कर्म के फल भोगोगे फिर क्या होगा? अभिमान बेरा होता है और माया गूंगी होती है। अभिमान है तो सुन नहीं पा, सुनाई नहीं देता क्या कह रहे, और माया है तो बोल नहीं पाती। बस ये दो हैं आड़े आ रहे। बिना ज्ञान का वैराग्य रोंदी कथा है, भीतर भीतर सुलग रही है। हमने क्या कहा था है? हमारी ऊपर ही है, तुम्हारी भीतर बैठी है, तो तुम क्या करोगे फिर? तुम टेंशन में पड़े रहोगे, नींद नहीं आएगी, जाने कब तक गांठ बांधोगे। हम तो उठे अपने से चले, का लेने देने कौन से दिन छूटे भैया। हम फिर कहते हैं कौन के भाग्य से हो रहे, ही दांत मत फाड़ो, इतने बड़े विद्वान नहीं हो गए। ये बेवकूफ नहीं बैठे, तुम ही विद्वान रह गए हो। ये ओवर एक्टिंग बंद कर दो, बेशरम मत बनो। ये जिनवाणी है, ये धर्मायतन है। अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटते हैं, और यहां पाप होंगे तो कहां छूटेंगे? हो जाए कुछ के देखी जाएगी, देखी कहा जाएगी? लड़के से कहे बेटा पढ़ो, पढ़ ले, परीक्षा आ रही है, देखी जाएगी, देखी कहा जाएगी? फेल हो गए, साल बर्बाद होगी और क्या होगा, देखी कहा जाएगी? दवाई खाओ, ढंग से इलाज करो, देखी जाएगी? देखी कहा जाएगी? देखी क्या जाएगी? टूटर मजी ने यह भी लिखा, ये भी निश्चय करो इस परिणाम का क्या फल होगा। निश्चय करने में चाहे तत्वों को ले लें, स्व पर ही उपाधि ले लें, अथवा टूटर मजी के प्रश्न ले लें, एक ही बात है। सहली बात नहीं है, बाजवा की बात एक ही है। उसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई, गाय काली है, हैं, लाल है, सफेद है, लेकिन दूध तो सबका सफेद ही है भैया, गाय को लगे, कार को लगे? काली गाय का दूध भी काला है क्या? लाल गाय का दूध लाल है? दूध सबका सफेद है। चार अनुयोगों की शैली भिन्न भिन्न है भैया, लेकिन प्रयोजन एक ही है। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता, सूत्र तात्पर्य वीतरागता। वैसे ही मत खड़े हो जाओ, वैसे ही मत बैठो, आगे पीछे सोचो इस परिणाम का क्या फल होगा। अगर ये सोचते तो ये नहीं होता, सवेरे के बाद फिर संध्या को कोई काम नहीं होता। और सोचोगे तो सवेरे फिर ये नहीं होगा, और नहीं तो फिर सवेरे होगा जी, जाओगे उठोगे और फिर सो जाओगे, और सवेरे फिर यही होगा जी। ध्यान रखना, कर्म की निर्जरा करने का समय मिला है, कर्म का बंध बांधते हैं, अन्याय है ये। मैं अनादि अनंत हूं ये निश्चय करो, जन्म मरण कहूं मर गए तो कहूं मर गए तो कहूं मर गए तो हाय भगवान अब तो मर जाए तो अच्छी। अरे ये बातें आएंगी ही नहीं, ये सारी विकल्प खत्म हो जाएगी। अनादि अनंत कितनी बार कह चुके भैया, मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, मर सकते नहीं आप।
कानून में भी आत्मघात करते अगर कोई पकड़ा जाए तो सजा मिलेगी। क्यों कर रहे हो तुम आत्मघात? क्या बात है, क्या तकलीफ है? तकलीफ का समाधान करो, आत्मघात मत करो। शास्त्र को कैसे सुना जाता? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। मैं तो अप्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ था। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इस समागम की तो थोड़े काल स्थिति है। सवेरे हम और आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कौन को पता? कौन को पता है? कुछ होश है तुम्हें? उस राजा की रानी ने कहा है एक सप्ताह का वेतन एडवांस ले लो, बच्चों के कपड़े बनने बनवा दो। बोले पहले पट्टा लिखो, एक सप्ताह की गारंटी है जीने की। हम कैसे ले रहे हैं एडवांस? हम ये कह रहे पढ़ा नहीं आता, सुना भी नहीं आता, मनमलिन होते रहते हैं, मनमलिन। निश्चय करो, निश्चय में उपयोग लगाएगा तो लगेगा तो अपना चंचल मन खत्म हो जाएगा। निश्चय करो। अब हमारे विकल्प हो रहे हैं, इनसे क्या लाभ है बताओ? लाभ तो नहीं है, हानि है। पर मैं तो कुछ होगा नहीं, इनका परिणमन तो बदलेगा नहीं, संसार ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बाबा जी कह रहे थे कई बार, भैया ये तो सब ऐसे ही चलते रहे हो। और लौकिक बात कह रही थी, लौकिक बात इन्हें तो आज जनता सुना दे, सो उन्हें व्यवस्था को बोझ नहीं लगा। कैसे चलो बढ़िया, बेउत्ते ही में खुश हैं बात बाकी। और उन्हें कुछ करने थोड़ी है, करना थोड़ी है। अब इतनी बातों का हित निर्णय करके मेरा हित करना हो तब बात बने, बने बस खुश हो गया, बस रोशन हो गया, बस खत्म, उठी हो चली सजानंदी और बस अपने बैठ गए, खत्म हुआ बड़ा। भैया ये गीत नहीं है, ये गेय नहीं है, ये ध्येय है। अंतरंग में बारंबार विचार करो, आगम से निश्चय करो, अपनी कल्पनाओं से नहीं। इन परिणामों का क्या फल होगा इसका निश्चय करने के लिए तत्वा सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। आश्रम का क्या क्या फल है, कहाँ के, इसे तो ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, इसे तो हमारी बुद्धि खत्म ही हो जाएगी, इसे तो हमारी प्रभुता का नाश हो जाएगा। सोचो ऐसे तो ये सब चला जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे? बड़ी मर्म की बात है, बड़ी मर्म की बात है। ये जो सवेरे कही थी, क्या कही थी बताओ? ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी, आपको यहां रहने नहीं देंगी और जहां जाओगे वहां भी सहने नहीं देंगी। ऐसे भटकोगे कथाएं, ये सोचोगे वहां चलो वहां चलो वहां चलो, हूं अब तब ये क्यों? कर्म का उदय सर्वत्र है, स्वभाव सर्वत्र है, निमित्त सर्वत्र है, ये तो है ही, अब क्या करोगे? एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि का उद्यम करे और कर्म के उपशम आदि स्वयं हो, तब राग आदि मिटते हैं। एकाग्रता नहीं होती ये नहीं सोचो, एकाग्रता कैसे हो ये सोचो है। कैसे हो? क्या उसके दो उपाय तो नहीं हो? एक के आश्रय से ही एकाग्रता होगी,
हमने लौकिक का एक दृष्टांत भी दिया था, आप ऐसे ही चले गए कहीं मान लो किसी कारणवश बाहर, अब दूसरा रात को रुकना पड़ा, गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, अब आपके पास दूसरे और कोई कपड़े नहीं, और आए अपने मोचा लिया निबट गए और बेग फिर पहन लिया, या दो जोड़ी कपड़े तो दूसरे बेग पहन लिए, ये धोखे डाल दिए, खत्म हो गई बात। अब जिनके बक्सों में 20 साड़ियां रखी हैं, जीप पहने की जीप पहने, एक घंटा दो घंटा सजवे ही में लगने, होना चाहे स्वाध्याय चलो यार, होगा कि नहीं बोलो आप, नहीं आपकी थाली में 20 आइटम रख दिए जाए तो क्या करोगे, कितना चंचल मन होगा, और अगर आपको एक खिचड़ी और रख दी, अब आप क्या करोगे, खा लो आराम। जैसे पवन झकोरते जल में उठे तरंग, त्यों मनसा चंचल भई परिग्रह के संग, क्या चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, चाहे अशुभ परिग्रह हो, परिग्रह शुभ नहीं होता, लेकिन किसी भी विक्षा से चाहे ये शुभ राग का परिग्रह हो, चाहे पुत्र अधिक हो चाहे शिष्य अधिक हो, क्या लिखा, विनय सहित अभिमानी पुत्र शिष्यादिक गुरुजनों के चित्त को निरंतर संताप दे, माता पिता और गुरुजन तो पुत्र शिष्यादिक को विनयवान देख करके ही प्रसन्न हुए हैं, लिखा है कि नहीं लिखा बताओ, वैसे ही तो नहीं लिख दिया, वैराग्य बिना ज्ञान नहीं होता। अब क्या आप शब्द पढ़ लेते हो लेकिन बैराग बैराग करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बैराग बिना का ज्ञान नहीं होता मतलब क्या है बोलो, क्षमा बिना का ज्ञान नहीं होता, ये कह रहे हैं, ये बैराग के विशेष हैं कि नहीं, ज्ञान होती है वहां क्षमा होती है, क्षमा का अर्थ क्या बताया था, अंतरंग में क्षमा है और दो क्षमा और बताई थी, स्वयं भी क्षमा मांगने में एकदम तैयार है, ये नहीं है चुप पीछा दें, अकड़ नहीं होती, तुरंत दोष होने पर क्षमा मांगता है और क्षमा मांगने पर सहज क्षमा कर देता है, आज कौन पूछ रहा था, समझ में नहीं आई, आप ऐसे कह रहे थे और थोड़ी देर में प्रवचन करने लगे, कुछ ये नहीं मालूम क्या आपने कुछ ऐसा कैसे कर लेते हो, कैसे हो, कैसे आता है, भाई तुम करो, हम नहीं कर पाए, आप कैसे कर लेते दो मिनट में, अभी कुछ अभी डांट रहे ये कर रहे और अभी यहां प्रवचन करने रहे, और कुछ नहीं, ये क्या है मतलब, बोला कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है, सोसा महिमा ज्ञान धनी, बस कुछ नहीं है, ये गुरुओं का प्रसाद है, गुरुओं का प्रसाद है, कभी कह देते कभी नहीं, ये अभिमान नहीं है, ये जिन शासन की सेवा है, ये ज्ञान धन है, तुम्हें सोचने पर क्या करें क्या करें क्या पहने क्या पहने क्या हुए जी आ गए, हम तो आया बैठे बदन बैठे थे ऐसे, मैंने भी आ जाए, नहीं आ गए तो आ जा बुला ले, क्या बात है आया ना, कब परेशानी कहा है, बैराग बिना का ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब है क्षमा बिना का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में ऐसी ऐसी क्रोध नहीं होता, मजबूत गांठ बैठी है बस, आप कठिन करने का करने, जो धारणा बना ली बन रही, जो सोच लो सो सोच लो, और जैने का सोच लो उल्टो संग में, ये ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता, ज्ञान सर्व समाधान कारक है भैया, अपना ही तो उदय है, इनकी योग्यता नहीं कोई बात नहीं, उन महामुनियों को देखो, उन भगवंतों को देखो, 66 दिन भगवान की वाणी नहीं खिली, विकल्प नहीं आया, और जब खिली तो कैसे खिल गई, ये क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, हमने पूछा था आपसे ये क्या हो रहा है, ये अकर्तत्व की सिद्धि हो रही है, हम नहीं कर सकते, तुम सुनने चाह रहे हो, हम सुनाना चाह रहे हो और नहीं निकल रहा, ये अकर्तत्व की सिद्धि हो रही है,
हम समझा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे, ये क्या एक धब्बे दूसरे धब्बे का करता नहीं है, इसकी सिद्धि हो रही है, क्या समझते हो? बैराग का निमित्त बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। बाल बच्चे नहीं मानेंगे, घर में भी जाओगे तो है, दुकान करोगे तो वो ग्राहक लड़ने आ जाएगा, सर्विस करोगे तो वो आकर के रोब काट देगा, हमारा काम जहां जाओगे कसायों के निमित्त, पग पग पर कसायों के निमित्त है, और कसायों के निमित्त को आपको ज्ञान अभ्यास के बल से बैराग के निमित्त बने, बैराग के निमित्त बना, संसार रहने लायक नहीं, ये जगत देखने लायक नहीं, इनकी सुनने लायक नहीं है, प्रीति करने लायक नहीं है, ये समझ लो। पर द्रव्यंत है प्रीति है संसार, अपना मन चंचल होगा, परिग्रह का संग करेगा, वैराग्य बिना ज्ञान नहीं होता, मतलब क्षमा के बिना ज्ञान नहीं होता, विनय के बिना ज्ञान नहीं होता, क्या मां विनय के बिना ज्ञान नहीं होता, अगर विनय नहीं है और ज्ञान कह रहे हैं तो समझ लो अज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, विनय बिना ज्ञान नहीं होता। अरे वृक्ष पर फल आते हैं तो वो भी नम्रीभूत होता है, हैं एक इंद्री वृक्ष, और तुझे अपने ज्ञान और आनंद आएगा तो तुझे बहुमान ना आवे भगवंतों का, इन श्री गुरुओं का, हनुमानी का बहुमान ना आवे, ऐसा असंभव। जो जिस रोगी का असाध्य रोग या दुस्साध्य रोग भी ठीक हो जाए जरा सी बात में, उसको उसका वैद्य का बहुमान ना आवे ऐसा नहीं होता, भक्ति ना हो गए ऐसा नहीं होता, और भक्ति जब भीतर में होती तो तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानमा, ये उदीर्णा की सिद्धि हो रही है, ये इन परिणामों से उसकी उदीर्णा होती है कर्मों की, सो आकर के सामने हुआ, ये काय की सिद्धि होती है, वस्तु स्वरूप की, भोग में रोग बसे, संयोग में वियोग बसे, हैं अभिमान में दीनता बसे, अपमान, हम अपनी भाषा में कह देते भाई, अभिमान जीव को कदम कदम पर अपमान मिलता है, रूप के अभिमान का फल कुरूपता है, ज्ञान के फल का अभिमान, ज्ञान के अभिमान का फल अज्ञान है, प्रभुता के अभिमान का फल पामरता है, दरिद्रता है, हीनता है, ये अभिमान का फल है, मान महाविष्णु करे नीच गज, नीचे चले जाना, ये फल है उसका, बिना विनय के फल नहीं, वो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होगा वहां विनय अविना भागी हो, शास्त्र से पढ़ पढ़ करके विनय करने लगे, दूसरों को देख देख करके विनय करने लगे, व्यवहार विनय पूर्वचर विनय हो जा, लेकिन सम्यक विनय नहीं आवी, वहां भेद ज्ञान हो नहीं भी हो, लेकिन अगर भेद ज्ञान है तो विनय होगी, अब तुम तो बस बैराग बिना ज्ञान नहीं होता, बस कह दो हो गई, अखबार की तरह शास्त्र मत पढ़ो भैया, एकाग्रता लाओ उसमें, ताहे सुनो भाई मन थिरन, सुनेंगे तब स्थिर मन होगा वो अलग बात है, लेकिन स्थिर मन करके सुनो, सरलता के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होती ज्ञानी का जीवन सरल होता है। हम उस दिन क्या पढ़ रहे थे जब तुम गए थे, हमने तुम्हें सुनाया भी था, बोलो विचार करो क्या लिखा था, संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, जो छिपाने की कोशिश करते हैं वे कभी संत नहीं हो पाएंगे, संतों के मार्ग के अनुयायी नहीं हो पाएंगे, मेहनत हो सकती है संत नहीं हो सकते, देख लो मेहनत हो सकती है संत नहीं हो सकते, संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, भीतर है तो ऊपर आ जाता है, अंतर की प्रसन्नता मुद्रा पर आ जाती है, प्रसन्न रहता है, वाणी में आ जाती है,
नहीं नहीं रहने दो रहने दो। अरे रहन का जो वो तो निकलता जाता है उसका, तो भक्ति रही भगवान भक्ति से खुश होंगे क्या? फिर काय को जी गा रहे तुम कि गा नहीं रहे हैं। तो भक्ति रही मुखरी कुर्ती बलान ये सब औदिक भाव है, औपाधिक भाव है, हैं क्या क्या लाइन ऊपर की बताई थी बोलो, अनुशासन प्रशासन बोलो, अब बताओ कुछ भी याद नहीं देता। और हमने कहा रटी है का जी, हम पूछ रहे या हमारा चेहसम ज्यादा है अब तुमसे ज्यादा, चेहसम में तुम्हारी तुम्हारा चेहसम ज्यादा होगा, सही कह रहे हैं हम? अनुशासन प्रशासन कुंद कुंद आचार्य देव की मजबूरी है, हृदय उनका नियम सार है, अंतर में समझदार है। कैसी बढ़िया लाइन लिखी है, विधान में पढ़ी है तुमने? समय सार मय परिणति नियम सार मय हो, बोलो नियम पालने नहीं पड़ते, पलते हैं सहज पलते हैं, पालने नहीं पड़ते, विनय करनी नहीं पड़ती, सहज होती है सरलता। बोलो डरो नहीं, तुम कहो तो सही, चिंता मत करो, हम हैं बैठे, अवैधान भी है तुम्हें, नहीं कहना नहीं पड़ेगा, सरलता ही सहज बात। ज्ञान किसको कहते हैं मालूम है? दृष्टांत बताओ हैं? वो लड़का राजा उसका संरक्षक था, पिता छोड़ करके मर गया था, दूसरा बड़ा राजा संरक्षक था। अब ये राजकुमार बड़ा हो गया, पेंशन मिलती थी राजा राज की ओर से, खर्चा भत्ता, लड़का बड़ा हो गया, सो लड़के राजा ने कहा भाई उस लड़का बड़ा हो गया, उसको उसका राज सौंपो, दे उसको, तो बुला दरबार। तो राज दरबार में राजा ने बुलाया राजकुमार को, माता से, माता ने कहा बेटा राज दरबार में पहली दफे जा रहे हो, वहां ऐसे पूछे तो ऐसे कहियो, ऐसे पूछे तो ऐसे कहियो, ऐसे पूछे तो जी उत्तर देना, कम बोलना और ऐसी सावधानी से। मैं अब वो बालक ने पूछा, माता इसके अलावा और कई प्रश्न पूछो तो का कहें, जी तुमने चार तो रटा दे हमें प्रश्नोत्तर, और कुछ पूछा तो कैसे कहेंगे? कह तू जा होशियार है तो जा। और वहां पहुंचा, अच्छा आ गए तुम, यहां आ जाओ, आए वो हाथ जोड़े आ गया, ऐसे तो आएगा नहीं कोई, ऐसे तो आएगा नहीं अकड़ी, हाथ जोड़े चला आ रहा, हाथ जोड़े आ रहा है। और राजा ने उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़े, बोले बताओ अब तुम हमारे कब्जा में, अब क्या करोगे? बोलो अब क्या करोगे? कि महाराज ज्ञान उत्तर दे रहा है। ज्ञान किसको कहते हैं समझो, महाराज हमें करने का, अब कन्या का एक हाथ पकड़ता है जिंदगी भर का निर्वाह करता है, निश्चिंत हो जाती है, आपने दोनों हाथ पकड़े, अब हमें कहा करने, बस राजा खुश हो गया और क्या करना। अब तुम राज्य कैसे करोगे, कैसे पूछने की जरूरत नहीं, कैसे करेगा बोलो, कैसी प्रभुता होती है ज्ञान में। चंद्रगुप्त छोटा था, चंद्रगुप्त जो सम्राट बना छोटा था, बच्चों के साथ खेल खेलता था, ऊपर बैठ करके राजा का पाठ करता था, चाणक्य उधर से निकला, उसने देखा लड़का बड़ा प्रतिभाशाली है, तेज चमक रहा है चेहरे पर, तो वो भी पहुंच गया, अपनी लाठी टेकते, महाराज चंद्रगुप्त की है, बोलो क्या विप्र क्या चाहते हो? महाराज गाय नहीं है, दूध के लिए गाय मिल जाए, बोली सामने चल रही है ले लो एक। महाराज बोल गाय वाले ने रोका तो उसकी हिम्मत है, महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा को भंग करे, ये प्रभुता होती है ज्ञान में।
नहीं कर्मों का डर मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में, ये कर्म क्या करेंगे? हृदय के विधान में क्या लिखा है बोलो? तुमसे स्वामी के पद सेवत ये विधिरंक दुष्ट कहा करें। जब तुमसे स्वामी की सेवा में हम आ गए, अब ये रंग का करेंगे? ये का नचाएंगे हमें? ये हमें क्रोध कराएंगे, मान कराएंगे, माया कराएंगे, लोभ कराएंगे? कुछ नहीं करा पाएंगे। तुमसे स्वामी के पद सेवत ये विधि दुष्ट रंग कहा करें, क्या करें? ये वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि किया करो भैया, बैठ बैठ करके जगत को देख देख करके भेद ज्ञान किया करो। लेकिन ऐसा उल्टा भेद ज्ञान मत करना कि परिणाम ठीकता की ओर चले जाए, स्वच्छता की ओर चले जाए, प्रमादी हो जाए, अभिनयी हो जाए, वो दंड हो जाए, ऐसा भेद ज्ञान मत करना। वो भेद ज्ञान खतरनाक है, कुछ नहीं, वो तो परिणाम है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो है लेकिन तू स्वतंत्र नहीं है, तू अपने को स्वतंत्र अनुभव। स्वतंत्र वस्तु स्वतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता की प्रतीति स्व के आश्रय से होगी कि पर के आश्रय से होगी? और तुम ऐसे कर, वो तो सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र तो रहेगा लेकिन तू परतंत्र होगा, कितने कर्म बांधेगा, तुझे होश नहीं है। जहां ज्ञान होता है वहां सरलता होती है। काय काय में सरलता होती है बताओ? शिक्षा को स्वीकार करने में, दोषों को स्वीकार करने में, दोषों को दूर करने में सरलता होती है। हैं? भवितव्य को, उदय को, दोषों को स्वीकार करने में सरलता होती है। सरलता से स्वीकार कर लेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहें कि नहीं कहें, हम ये भगा तो नहीं देंगे, हम अपने दोस्त कह दें तो। इसलिए ऐसा करो, ऊपर ऊपर कहो, भीतर नहीं कहो। अब विश्वास करता है तो वे हमारे गुरु निर्विचिकित्सा अंग के धारक हैं, उन्हें घृणा नहीं होती, गिलानी नहीं होती। मिथ्या गिलानी, मिथ्या घृणा माने ऐसी गिलानी नहीं होती कि धर्मात्मा का तिरस्कार करें या धर्म का अनादर करें या धर्म को छोड़ दें, ऐसी गिलानी नहीं होती। गिलानी तो होती है, ऐसी गिलानी होती है कि पाप छूट जाए, विकल्प छूट जाए। तुमको बैराग बिना ज्ञान नहीं होता? बैराग बिना ज्ञान बस करते रहो। जब तक भेद करके नहीं समझोगे तब तक भैया वासिम पंडित जी ने क्या लिखा, यद्यपि वीतरागता है, धर्म है, लेकिन वीतरागता वीतरागता कहते रहे और आत्मा आत्मा कहते रहे तो कैसे समझे? आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, आनंदमय है, प्रभुता, तो उसको प्रसन्नता होगी। हाँ, ऐसे ही वीतरागता वीतरागता कहते रहे तो क्या समझ में आएगी? अहिंसा कहो, सत्य कहो, अचौर्य कहो, कहेंगे वितरागता के ही तो विशेष है। क्षमा मार्दा भी वितरागता के विशेष है। सामान्य से विशेष बलवान होता है। सामान्य सामान्य कहते रहे तो कैसे समझ में आएगा? और जबकि अध्यात्म की बात अलग है शैली, सामान्य बलवान होता है, ध्यान रखना। लेकिन कैसा सामान्य बलवान है जिसमें सारे विशेष अंतर्गर्भित है। अनराकृत खंडम अखंडम है, अनराकृत विशेषम अविशेषम। सोना सोना है ऐसा कहने से कोई पीलापन उसका निकल नहीं आता। उसका है, उसकी सोनत्व जो है ना, वो निकल निकल के भग नहीं आता। सोना सोना है, बस खत्म मामला। सोचो भैया, सोचो समझो विचार करो। हमें तत्व की प्राप्ति न होने में हमारी ही अपात्रता बाधक है, कोई बाह्य कारण नहीं।
हमारी ही अपात्रता है, हमारा ही पुरुषार्थहीनता है, विपरीत पुरुष सोच है हमारा, कोई बाह्य कारण नहीं, बाह्य कारण निमित्त मात्र है। हमारा उदय 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 नहीं है, उदय चला जाएगा। वर्तमान का जो झूठ बोलने का परिणाम है, मायाचारी का परिणाम है, अहंकार का परिणाम है, वो बाधक है। हमने आपको अनियोगों में भी सापेक्षता कही थी, तो भैया कहना नियोग सापेक्ष करना नियोग होना चाहिए। ऐसा नहीं उदय उदय कह दो सब सहज है सहज है भवतव्य वो तो कोई बात नहीं वो तो सहज है, ऐसा सहज वहज नहीं होता। जैसे दोष का प्रमाद का पोषण हो, कलंक है, सहज भी है और कलंक भी है, ये भी साथ में लेना चाहिए। कलंक नहीं कहोगे, कलंक नहीं विचार करोगे तो नहीं छूटेगा वो कुछ नहीं, वो तो दाग है। अरे नहीं वो बुरा लग रहा है तब रगड़ोगे। हमने एक दृष्टांत दिया था कभी आपको, एक पंडित जी थे तो प्रवचन कर रहे थे, हम छोटे थे वही सुन रहे थे बैठे, तब की बात है। तो पंडित जी प्रवचन कर रहे तो जाकेट पहने थे, सो अब रूमाल देखना था उनको कुछ भी। अब वो ऐसे हाथ डाल रहे और प्रवचन करते जा और ऐसे हाथ डाल रहे, वो रूमाल कहां से मिले। हमने प्रवचन हो गया थोड़ी, हमने के पंडित जी क्या कर रहे थे, जाकर तो उल्टी पहने हो, जाकर उल्टी पहन गए जल्दी, अब जाकर उल्टी है तो अब ऐसे तो बीता रहे ना। हमने क्या कर रहे ऐसे देगी उतार के झट मैं मंदिर में वही उतार के सीधी कर, अरे हमने अब घर कर दियो, अब कैसे करना, उल्टी उल्टी छमी मारेगी। मैंने वही उन्होंने जाकेट उतार करके सीधी की, हमारा मतलब ये समझ में आ जाए तो ये होता है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, क्या अर्थ है इसका बोलो। ज्ञान मात्र से मिथ्यात्व का निरोध होता है, ज्ञान में आ जाएगा तो विपरीत मानता कैसे रहेगी। ये ज्ञान, ये तो हमने जान लिया देह और आत्मा भिन्न भिन्न है और हम तो यही है, ऐसा कैसे रह सकती है। श्रद्धान का उदय होता है, सत्र में गाथा टीका में लिखा श्रद्धान का उदय होता है और निशंक स्थिर होने में समर्थ होता है। बंध का निरोध माने कैसे होगा, बंध के कारणों का निरोध होगा कि नहीं। तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, माने मोह का मिथ्यात्व का निरोध होता है, उसके साथ अनंतानंदी। और ज्ञान की भावना से ही, ज्ञान की भावना से गाढ़ता से विज्ञान घनता से अविरति का निरोध होता है और ज्ञान की ही स्थिरता से कषायों का, ज्ञान के प्रति उत्साह आने से उल्लास होने से प्रमाद का निरोध होता है और ज्ञान में स्थिरता होने से क्या कषाय का निरोध होता है, अब योग का निरोध करना नहीं पड़ेगा, नहीं बंध का निरोध होता है, ज्ञान मात्र बंध का निरोध होता है, बस खत्म हो गई। हम तो समझते हैं, हम जानते हैं भैया, गहरे घुसो गहरे, अवगाहन करो, बार बार की ठंडी हवा से प्यास नहीं बुझेगी भैया, रतन नहीं मिलेंगे, गहरे उतरोगे तो रतन मिलेंगे। सोचो समझो विचार करो, क्या कोई काम नहीं आएगा। ये शत्रु हैं कि मित्र हैं जो हमारे दोषों का पोषण कर रहे हैं। आज तो तुमने ग्रुप बना लो, भी ग्रुप बारी सब एक अलग हो जाए, कछु नहीं है ग्रुप बारी, तुम्हें भोगना पड़ेगा अकेले उस परिणाम का फल। समझो मेरा सुख मेरे में ही है, इनमें नहीं है, अपनी ओर देखो तभी कल्याण है, दुनिया की ओर देखोगे संसार में रोलोगे
सोचो समझो। तत्व का निश्चय करने का अभ्यास करो, केवल पढ़ो नहीं सुनो नहीं, निश्चय करने का अभ्यास करो। किसी निर्णय पर तो पहुंचते जाओ, निर्णय पर पहुंच नहीं रहे बस कछु नहीं, सुन लो पढ़ लो। सम्यक ज्ञान नहीं होता जिन शास्त्रों को सुनने पढ़ने मात्र से भी, जबकि सम्यक ज्ञान के निमित्त भूत जैसी अटपटी भाषा लिखी है टूटरमली ने। सम्यक ज्ञान के निमित्त भूत जिन शास्त्रों का अभ्यास भी करता है तो सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ निर्धार नहीं, मानो किसी और ही की बातें कर रहा है। बहुत जी माने तो संतुष्ट हो जाता है, कोई नहीं माने तो खेल खेलने रहता है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। देखो क्या सुंदर लिखा है, कभी दूसरों के लिए ज्ञानाभ्यास मत करना, तैयारी मत करना बिल्कुल, कभी तैयारी करना भाषण की नहीं भाव भाषण की, भाव भाषण की तैयारी करना। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। देखो भाई ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करने के लिए कमर कसना, औरों के ही दोष देख देख करके कसायवान मत होना। ये भगवान आज्ञा है भगवान की, ये शास्त्र के वचन है। ऐसा दोष अपने में हो कृत से कार्य से अनुमोदना से सूक्ष्मता में तो उसको ऐसे निकालो, पांच तनक सी नेक सी तनक, और कैसे निकाल फिर ऐसे निकाल तब राहत मिलती है, नहीं तो वैसे छिदत रहते। इतना सा भी दोष होगा तो भीतर छिदता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। पढ़ोगे सुनोगे साथ होगे रहोगे खाओगे सब करोगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। माफ करना, यहां से शांति कैसे मिलेगी, न प्रसन्नता मिलेगी न प्रतिष्ठा मिलेगी न श्रेय न शांति। ऐसा काम करने से क्या लाभ होगा, विचार करो भाई। हमने कहा था साधर्मियों में वात्सल्य रखना है, दूसरों के पास अगर कोई तुम्हारे पास अगर कोई निर्धन आया तो उसे नौकर मत समझ लेना, कोई धनवान आया तो दीन होकर के गिड़गिड़ाना मत, उसे खुश मत कर दे रहना। तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे परिणाम से होगा, साधर्मियों में छोटा बड़ा नहीं होता, और छोटा सा साधर्मी हमारा प्राण है।